हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के युवाओं में बाल झड़ने की समस्या काफ़ी से ज़्यादा आ रही है। युवा काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोर एफ 5%। जी हाँ दोस्तों, यह एक मिनोक्सीडिल सीरम है जो हमारे बालों को बाल झड़ने से रोकती है। या दोस्तों, मैं बात करूँ मिनोक्सीडिल के बारे में, इसमें 5% कंटेंट रहता है मिनोक्सीडिल का, और ये इंटेंस फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में दोस्तों, इंटेंस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडिया अहमदाबाद में ये बनता है दोस्तों। तो मैं बात करूँ दोस्तों, इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा जा रहा है, डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं और मेरे कुछ दोस्तों ने भी इसको यूज़ किया हुआ है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है दोस्तों। तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, सेपरेट वीडियो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा, आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूँ कि जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो सितंबर 2021 का दिखा रहा है और इनका एक्सपायरी डेट है अगस्त 2023 को। और मैं एमआरपी की बात करूं दोस्तों, तो ये 750 का दिखा रहा है, यानी 750 रुपये। और मैं बात करूं दोस्तों इसकी पैकेजिंग की, तो इसमें क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वान्टिटी इसका 60 ml का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5% मिनोक्सीडिल बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों। इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं आप इनको यूज कर सकते हैं और इनका बेहतर परिणाम देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका कंपोजिशन दिया हुआ है, मिनोक्सीडिल 5% है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें कंटेंट में आपको जैसे दिया हुआ है, बोतल में आपको क्या क्या मिलेगा इस पैक में आपको, तो 160 ml का बोतल है एंड 1 ड्रॉपर एप्लीकेशन है। आप ये दो प्रकार का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 ड्रॉपर दिया हुआ है और 1 स्प्रे एप्लीकेटर है। जैसे दोस्तों, यहाँ दो टाइप से आप यूज कर सकते हैं, जिनको अगर स्प्रे करके यूज करना है वो स्प्रे करके यूज कर सकते हैं और जो ड्रॉपर के यूज करना चाहते हैं ड्रॉपर से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ड्रॉप से आप यूज किए थी, क्योंकि दोस्तों इनका प्राइस काफ़ी हाई है और अगर आप स्प्रे यूज करेंगे तो काफ़ी आपको यूज करना पड़ सकता है। बट ये आप ड्रॉपर के ही अगर यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी मात्रा में सेव हो जाएगा। इस तरह से देखिए, आप फिगर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप स्प्रे यूज करते हैं दोस्तों, तो स्प्रे भी 1 ml यूज करना है, और अगर आप ड्रॉपर की तरह यूज कर रहे हैं तो एक बार में 1 ml आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपका बाल झड़ने की समस्या आ रही है, वहाँ पर आपको ड्रॉप ड्रॉप करके लगाना है और दोस्तों स्कैल्प करना है, यानी थोड़ा सा मिलाना है दोस्तों। या दोस्तों, मैं इसको अभी अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ आपको। या दोस्तों देखिए, मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनके बोतल दिया हुआ है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड है जिसको आप पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मोर एफ 5% डोज एंड मेथड एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप कैसे लेना है, आप कैसे यूज करना देख सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया दोस्तों, और यहाँ पर यूज इन स्पेशल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं।
डिटेल में इतना तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। ये आपको बता दूं जैसे कि प्रेजेंटेशन इनका 5% सॉल्यूशन, HTML पोर्टल है, इंटेंस फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको मैं अभी साइट रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये आपको बोतल आ गया दोस्तों, और ये आपको ये तीन चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलती है दोस्तों। अप्लाई आप दोस्तों इसको दो प्रकार का भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जैसे आप स्प्रे मैंने बताया था, ये आप स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, इसमें आपको डालना है यहाँ पर और ये स्प्रे कर सकते हो। हालांकि दोस्तों ज़्यादातर तो लोग इसी को यूज कर रहे हैं ड्रॉप करके दोस्तों, ड्रॉपर का यूज कर रहे हैं। 1 ml यूज करना है दोस्तों, एक बार लेना है ऐसे करके लेके, और क्या करना है दोस्तों, अपने बालों में, बालों में जहाँ जहाँ आपको बाल का प्रॉब्लम आता है ऐसे ऐसे करके, और स्कैल्प करना है दोस्तों, स्कैल्प कीजिएगा, अच्छे से मालिश कर लीजिएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ जहाँ आपको झड़ने के बाल झड़ने की समस्या आ रही है आप वहीं पर लगाएं, और बालों की जड़ों तक जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर वही काम करती है बालों की जड़ों पर। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे बाल हैं और आप बालों में लगा लिए और जड़ों में लगाना भूल गए, ऐसा नहीं दोस्तों, आप जड़ में लगाइएगा। हो सके तो अपने बालों को छोटा करके रखिए, उससे आपको ऑयल में आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको ये खर्चा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 60 ml का ही बोतल आता है और इसमें क्वांटिटी बहुत कम रहती है एज टू कंपेयर प्राइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं बोतल में, मेरी तो सलाह यही रहेगी दोस्तों कि आप इससे यूज कीजिएगा ड्रॉपर से, ड्रॉपर से यूज करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बालों की जड़ों तक आपको जाएगा। स्प्रे से हो सकता है आपको चेहरे पर भी लग सकता है या इधर उधर जहाँ भी लग जाएगा दोस्तों, बाल आने की समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इससे आप लगाइए, इससे आपको तेल का भी सेव होगा और आपको अच्छे से जड़ों में भी पहुँचेगी दोस्तों। तो ये रहा था दोस्तों अनबॉक्सिंग, इसको आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा एक सलाह रहेगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से आप जाइएगा, मिल लीजिएगा, वो रिकमेंड करेंगे तो ही आप लगाइएगा, एक बार उनसे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं आप दोस्तों, उसके लिए आप देख लीजिए। और दोस्तों मैं बात करूँ मोरफ 5% की, तो इनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मेरे कई सारे दोस्तों ने भी यूज किया है, और जिनको गंजेपन की समस्या आ रही थी धीरे धीरे उनके बाल आने की संभावना दिख रही है दोस्तों। इसकी मैं पैकेजिंग की बात करूं, जो सेम है वहां पर लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, दोस्तों एक और बात बताना भूल गया कि जब है भी आप इसको यूज कीजिएगा अपने हाथों को अच्छे से भी धो लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप चेहरे में धो ली, चेहरे पर बिना धोए ही टच नहीं करना है दोस्तों, अच्छे से साबुन से हाथ धो लेना है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये टच हो सकते हैं दोस्तों वहाँ बाल आने की समस्या हो सकती है, चेहरे कान नाक में अच्छे से। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और एक बार में एक एम एल लें और दो टाइम करके लीजिए, जैसे कि आप सुबह में लगाकर किए 1 ml, तो शाम को फिर रात को सोने समय 1 ml लगा के आप सो सकते हैं, दिन में मतलब दो ही बार 2 ml करके, उससे ज़्यादा नहीं लगाना दोस्तों।
इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि रसेपन आ जाते हैं, किसी को खुजली का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाते हैं। और अगर कुछ दिन के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनसे विजिट कर सकते हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ दोस्तों, जब भी आप इनका यूज करने से पहले एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हालांकि ये डॉक्टर सलाह देते हैं इनको, लेकिन अलग अलग बालों की समस्या लेके लोग जाते हैं, तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग परसेंटेज भी लिख देते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे परसेंटेज में आता है, 2%, 5%, 10% मिनोक्सीडिल, 2%, 5%, और आपका 12%, इस तरह आते हैं दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जा रहा है दोस्तों। मैंने ऐसा भी देखा है जिनका बाल नहीं भी था, जहाँ पर गंजेपन की समस्या थी, वहाँ धीरे धीरे बाल का ग्रोथ आना हो गया है। आप 2-3 महीने लगातार यूज कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका कुछ किन्हीं किन्हीं का रिस्पॉन्स ऐसा भी आया है कि किन्हीं का कहना है जैसे कि हम यूज कर रहे हैं तो हमारे बाल और भी झड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि महीने भर के बाद फिर वहाँ से बाल आना भी शुरू हो गया है। इसलिए आप घबराएं नहीं, हो सकता है बाल आपका कुछ समय और तेज़ी से झड़ जाए, लेकिन नए बाल तेज़ी से भी उग भी जाएंगे। तो आज का वीडियो में हम यही बताना चाहते थे दोस्तों, क्योंकि युवाओं की समस्या बाल झड़ने की काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये आपको परचेज कर सकते हैं, आप दुकान में भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल का समय है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, परचेज कर लीजिएगा। बाकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जी ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में और नई अनबॉक्सिंग के साथ, या कोई भी जानकारी मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।